आज हम आपको लेकर आ गए हैं रांची झारखंड के इस सेवा संस्थान में, जो कि कोरोना के समय से शुरू किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कोई भी व्यक्ति रांची में भूखा ना रहे। ये संस्था मात्र 10 रुपए के दान में भर पेट चावल, दाल और सब्जी खिलाती है। तो आज हम भी इस महान कार्य का हिस्सा बनेंगे और खाने का अनुभव लेंगे। कब से खा रही है? मेरा हो गया 4-5 बार, लेकिन खाना बहुत टेस्टी लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। हेलो जोहार, नमस्ते, प्रणाम। आई एम शालिनी एंड वेलकम टू आवर न्यू फूड ब्लॉग। तो आज हम आपको लेकर आ गए हैं पहाड़ी मंदिर के पास स्थित है श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर अन्नपूर्णा सेवा, जो कि खुली है कोरोना के टाइम पे और जहाँ पे प्रतिदिन 11 बजे से लेके 1 बजे तक आपको 10 रुपए में थाली खिलाई जाती है, वो भी भर पेट अनलिमिटेड थाली खिलाई जाती है। तो चलिए आज हम भी खाएंगे इसका खाना। तो आइए बात करते हैं यहाँ की जो दीदी है, जो सबको खाना परोस परोस कर दे रही है उनसे। तो दीदी आपका नाम क्या हुआ? सुमन कुजूर। अच्छा, तो आप यहाँ पे कब से काम कर रही हैं? यहाँ मेरा 1 साल होगा, 8 सितंबर को 1 साल होगा। तो ये सारा कुछ आप ही बनाती हैं? हाँ, और एक दीदी है तो गांव चल गई, तो अभी तो संभाल रहे हैं हमें। मतलब बनाती भी है और लोगों को खिलाती भी? हाँ, बनाते भी हैं, खिलाते भी हैं। 7:15 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं। तो देख लीजिए कितने पुण्य का काम दीदी कर रहे हैं यहाँ पे। और 10 रुपए में क्या खाना है इसका बता दीजिए। और मीठा छोड़ने में आपको दाल और सब्जी भात मिल जाएगा और अलग से प्याज मिलेगा, इसमें लहसुन प्याज कुछ नहीं रहता है, पूरा इसे सादा रहता है खाना सालों भर। सालों भर। और यहाँ पे देख रहे हैं कि लोग खुद से प्लेट धो रहे हैं खाने का। आपको खाना लेना है, खुद से प्लेट धोना है और एक तरफ रख देना है, और जूठा उठा सब साफ सुथरा आप खुद अपना जिम्मेवारी समझ के कीजिए। डेली बदल के सब्जी बनता है, कभी कद्दू, बोधी, चना। रोज है जो चावल ही बनाते हैं? हाँ, चावल ही बनता है। और टाइमिंग क्या है खाने का? टाइम 11 बजे। 11 बजे? हाँ, 11 बजे से 1 बजे तक। कभी कभी 2 बज जाता है ज्यादा रहने से। तो 2 घंटे में आप 250 लोग आते हैं। सप्ताह के 7 दिन ये रहता है? हाँ, 7 दिन ये रहता है, कोई दिन छुट्टी नहीं है, हम लोग का भी छुट्टी नहीं रहता। अच्छा, चलिए तो बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं आप। अच्छा, आलू गोभी सब्जी है। अच्छा, चना का दाल है ये सब्जी रहा? हाँ, गोभी आलू। अच्छा, लहर दाल चना। अच्छा, ये दाल रहा और ये चावल है और ये प्याज। यही प्लेट है ना? हाँ, ये प्लेट है, देख लीजिए, ये प्रसाद है आपका मंदिर का। 10 रुपया में ये संस्था चलाती है, अनलिमिटेड खा सकते हैं ना 10 रुपया में, बस जूठा नहीं छोड़ना है। तो ये संस्था के सद्स्य हैं। अंकल आपका नाम क्या हुआ? द्वारिका प्रसाद अग्रवाल। तो इन्हीं के देख रेख में यहाँ पे जो भी सारा कुछ चल रहा है। तो ये खोले, इसका खोलने का मतलब कहाँ से उनका माने हुआ? कोरोना के पहले से उनका माथा में था कि माने कोरोना में लगा तो उनका माँ बाप के अपना किसी को भूखा माने रहने लगा देखे हुए। तो अच्छे से प्रदीप नासरिया है, वो माने चलाते वही घाटी वाड़ी पूरा वही पूरा। तो ये कोरोना के बाद से मतलब? हाँ, ये मतलब 1 साल हो गया है। बहुत अच्छा है कि हर तबके के लोग आके यहाँ पे खाना खा सकते हैं, एकदम प्योर वेज खाना है। कैसा लगता है आपको यहाँ का खाना? कब से खा रही हूँ? मेरा हो गया 4-5 बार, लेकिन खाना बहुत टेस्टी लगता है, बहुत बढ़िया लगता है, शुद्ध शाकाहारी बढ़िया खाना है। हाँ, हम लोग खाते भी नहीं है उस सब, बहुत अच्छा खाना लगता है। कैसा लगता है भैया आपको यहाँ का खाना? ठीक है। रोज खाते हैं? हाँ। अच्छा, तो रोज क्या एक ही जैसा रहता है कि बदल बदल के रहता है? बदल बदल के रहता है। अच्छा तो चलिए हम भी ट्राई करते हैं आज यहाँ की वेज थाली। तो ये देखिए मेरे पास रहा ये 10 का सिक्का और ये अंकल यहाँ पे बैठे, आप इनको देंगे ये सिक्का तो ये बदले में आपको कूपन देंगे। ये देख लीजिए, ये टोकन है, ये टोकन खाने के बाद वही जमा हो जाता है। अच्छा अच्छा, वहाँ पे जमा देना होगा। तो ये टोकन है जो इनको देना होगा, बदले में आपको ये प्लेट मिल जाएगी। तो चलिए हम उठाते हैं अपनी प्लेट। तो ये रही हमारी थाली,
जो कि है 10 रुपए वाली, और इसमें मिल जाता है मुझे चावल, दाल, सब्जी है आलू और बरबट्टी की, और ये साथ में प्याज मिल जाता है। तो चलिए खा के बताते हैं आपको इसका टेस्ट। तो ये दाल है, दाल थोड़ी पतली है ताकि ये चावल के साथ अच्छे से मिल जाए, और ये रही सब्जी। का जो टेस्ट है वो बिल्कुल घर के खाने जैसा लग रहा है, और इसकी जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। आप 10 रुपए में जितना चाहो उतना खा सकते हो। हाँ, बस यहाँ पे जूठा छोड़ना मना है, और ये अच्छी चीज है कि यहाँ पे जूठे छोड़ने वालों पे फाइन करते हैं 50 रुपीज का। अन्न को बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो ये चीज मुझे अच्छी लगी। तो इसी के साथ अपने वीडियो को भी मैं एंड करती हूँ। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।